कांग्रेस महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर लगातार निशाना साध रही है, लेकिन कांग्रेस की बैठक में ही कुछ ऐसा हुआ जो पूरी पार्टी को शर्मिंदा कर सकता है। दरअसल उत्तर प्रदेश के देवरिया में टिकट न मिलने से नाराज महिला कार्यकर्ता ने जमकर हंगामा काटा। बताया जा रहा है कि महिला कार्यकर्ता देवरिया सीट से उपचुनाव में मुकुंद मणि भास्कर को टिकट दिए जाने का विरोध कर रही थी। इसी दौरान कांग्रेस नेताओं ने महिला कार्यकर्ता के साथ मारपीट कर दी। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। मीडिया से बातचीत में महिला कार्यकर्ता का कहना है कि पार्टी ने गलत आदमी को टिकट दिया है, वो रेपिस्ट है। मैंने ये बात कांग्रेस नेता सचिन नायक के सामने रखी थी कि आपने गलत आदमी को टिकट दिया है, इससे पार्टी की छवि खराब होगी, लेकिन यहाँ मेरे साथ मारपीट की गई। मुझे देखिए, यहाँ चोट आई है, होंठ कट गया है मेरा। आपको देखिए, यहाँ कान के पास हमको चोट आई है, हमें पीठ में चोट आई है। उधर राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी इस मामले में संज्ञान लिया है। महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने ट्वीट कर पूछा, ऐसे बीमार लोग कैसे राजनीति में आ जाते हैं। उन्होंने इस मामले में संज्ञान लेने की भी बात कही है। आपको बता दें, हाथरस दलित लड़की की मौत में कांग्रेस पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जमकर बवाल काटा था। हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी यूपी पुलिस के साथ पूरे प्रशासन से भिड़ गए थे। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या कांग्रेस के ये दो नेता अपने कार्यकर्ता को इंसाफ दिलाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि कांग्रेस में किसी और को टिकट देने पर बवाल काटा गया हो। याद हो कि कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब एक बड़े नेता ने उनके लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था, लेकिन पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कोई भी एक्शन नहीं लिया था, जिससे नाराज होकर उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया था। इसके बाद प्रियंका ने शिवसेना के साथ अपना नाता जोड़ा और तब से ही वो कांग्रेस के खिलाफ जमकर हल्ला बोलती हैं।